मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था वाटर लिली कैसे प्लांटेशन करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो जब वाटर लिली थोड़ा बहुत ग्रोथ ले लेगा, मतलब 5 से 7 तक पत्ता खिल जाएगा, वो 15 से 20 दिन के अंदर ही हो जाता है। तो उसके बाद कैसे उसमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कब देना है, तो इस बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो आईडी देख रहा है, आप देख रहे हैं पुस्तका, तो पुस्तका एक हार्डी वाटर लिली है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्लूमर है। छोटा सा छोटा पॉड में भी, 8 इंची पॉड में भी बहुत ही ज़्यादा ब्लूम करता है। लेकिन दूसरा जो है, ये जो मैक्सिकाना है, कोलोराडो है, वन विसा, वो बड़ा वाला गमला में ही ब्लूमिंग करता है, लेकिन बहुत ही कम। तो आफ्टर 15 और 20 डेज प्लांटेशन क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है, तो और ये जो हार्डी वाटर लिली है, ये हेवी फीडर है, तो इसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, 15 से 20 डे के गैप में देना पड़ता है। तो क्या क्या देना है उसमें, एनपीके, जो वाटर सॉल्युबल जो एनपीके होता है, सेम रेशियो का, जैसे 90-90-90-20-20 ऐसे जो एनपीके है वो देना है। डीएपी 10-26-26, एमओपी जो रेड पोटाश होता है वो, और जो ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड है वो भी सेम रेशियो में आप इसमें मिलाकर एक अच्छा मिक्सर बना के उसमें जो गमला में, पॉड में, आप जिसमें भी वाटर लिली आप करे हैं उसमें, उसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर देना पड़ेगा, पानी में नहीं, कभी भी पानी में नहीं आप इसको देना है, ऑल टाइम इसको मिट्टी के अंदर ही देना है। तो जो छोटा सा गमला व टॉब है उसके लिए हाफ से थोड़ा, 1 चम्मच तक आप टीस्पून देना है, और बड़ा वाला जो गमला है उसमें 2 चम्मच दो साइड में देना है गमला के। वो भी हम दिखा देंगे कैसे देना है, कहाँ देना है, वो भी हम दिखा देंगे वीडियो में, तो आप देखते रहिए। और जो पुस्तका, जो वाटर लिली हमने बोला है, वो तो ब्रूमिंग मशीन है। एक बार फर्टिलाइज़र प्लांटेशन के बाद, एक बार फर्टिलाइज़र देने दे आप दे या ना दे, ब्रूमिंग शुरू भी हो जाता है, लेकिन उसमें कभी कभार फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। ये 1 महीना और 1.5 महीना के गैप में 1-2 बार आपको देना है, जितने टाइम उसका ब्रूमिंग टाइम होता है, पूरा एकदम समर रेनी सीजन पूरा ही होता है, और रेनी सीजन में ज़्यादा ब्रूम करता है वाटर लिली। हार्डी दोनों टाइप हार्डी होता है, और ट्रॉपिकल तो कभी कभार विंटर में भी ब्रूमिंग कर देता है। तो जो बड़ा गमला में हमने किया था, जो प्लांटेशन किया है, ये वन विशा का एक प्लांट है। तो देखिए, जहाँ मिट्टी है, जहाँ प्लांट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। जहाँ सिर्फ मिट्टी है उसके एकदम मिट्टी के अंदर घुसा देना है उसको, और एक साइड में देखिए कितना प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसका ग्रोथ है। तो पहले हमने एक बार दिया है, इसके बाद ये सेकेंड टाइम हम दे रहे हैं, तो दो साइड में देना है। और छोटा जो पॉट है उसमें एक ही छोटा 1 चम्मच बोला है हमने, और ये बड़ा जगह है, गमला है, इसलिए 2 चम्मच करके कर 4 चम्मच एक गमला में देना पड़ता है। और ये है नाइट ब्लूमिंग, मतलब ये शाम के टाइम में ये खिलता है, और सुबह जब धूप निकलता है इसका ये एकदम बंद हो जाता है, ये जो वाटर लिली है। तो
यही है, और कुछ भी इसमें तो और देना नहीं पड़ता, लेकिन जो हमने जो फर्टिलाइज़र दिखाया है उसको आपको 15 से 20 डे के इंटरवल में देना पड़ेगा, लेकिन इसको नहीं, इसको कभी कभार आप दे दें तो ही चलेगा, क्योंकि इसका ग्रूमिंग एक बार स्टार्ट होने से और रुकता नहीं। तो आज इतना ही, और मेरा जो पहला वाला वीडियो है वो भी आप देख लेंगे, जो नहीं दिखा है वो आप देख लेंगे, देख लेना। तो आज अभी इतना ही।